अब नीतीश कुमार जी, एक अंतिम बात मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी शायद अपनी कोई यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं, और वो भी पश्चिम चंपारण से कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे खुशी ये है कि चलिए वो तो पहले भी यात्रा करते रहे, लेकिन मेरा अनुमान भी है और मुझे इस बात की खुशी भी है कि बिहार के पॉलिटिशियंस जो हैं वो चुनाव से अलग हटकर भी कम से कम जमीन पर उतरेंगे। हम लोग पैदल चल रहे हैं तो कुछ दबाव तो जरूर है, कोई पैदल चलेगा, कोई गाड़ी से चलेगा, कोई हेलीकॉप्टर से चलेगा, लेकिन कम से कम अपने ऑफिस से तो निकले, तो ये खुशी की बात है। मैं स्वागत करता हूँ कि नीतीश कुमार आ रहे हैं और वो पैदल ये कुछ अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, पैदल तो नहीं चलेंगे, गाड़ी या हेलीकॉप्टर से चलेंगे। जो पश्चिम चंपारण के ज्वलंत मुद्दे हैं, मेरा अनुमान है, मेरी आशा है कि नीतीश कुमार जी वहाँ भी जाएंगे। मेरा अनुमान है कि नीतीश कुमार जी नवलपुर बेतिया रोड पर जाएंगे, जहाँ पर 15 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उस रोड को बनाया जाए। मेरा अनुमान है कि नीतीश कुमार जी मशान नदी के कटाव से जो लोग पश्चिम चंपारण में परेशान है उस पर कुछ समीक्षा करेंगे, उस पर कोई निर्णय लेंगे। मेरा अनुमान है कि नौतन बैरिया के डिस्ट्रिक्ट में जो भारी कटान, बाढ़ और रोड के हालात हैं, उस पर नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे। जिस वाल्मीकि नगर से वो हमेशा शुरुआत करते हैं यात्रा की, मेरा अनुमान है, मेरी आशा है कि वहाँ पर जो वन्य राज्य अधिनियम को लेकर बड़ी जनसंख्या आंदोलनरत है, लोगों को जमीन, अपनी मिट्टी, अपना बालू, अपनी लकड़ी से अधिकार लोगों का छीन लिया गया है, उस पर कुछ समाधान देंगे। इन सारी बातों का देखिए, वो आते हैं तो क्या करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, कम से कम पटना से निकल तो रहे हैं।